आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। नाबालिग को शादी का झांसा देकर प्रयागराज इलाहाबाद भगाने वाला आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया गया। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्राप्ति दिनांक 24 जुलाई 2021 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 22 जुलाई 2021 के दोपहर करीब इसकी नाबालिग बालिका को आरोपी के द्वारा बला फुसला कर भगा कर ले गया है। रिपोर्ट अपराध क्रमांक 231/2021 धारा 363 भारतीय दंड विधान पंजीबद्ध कर व्यपरीता एवं आरोपी की पतासाजी में लिया गया है। प्रकरण महिला बालिका संबंधी अपराध एवं अत्यंत संवेदनशील प्रकृति का होने से तत्काल घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई। तदुपरांत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत सिंह ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजय कुमार महादेवा के निर्देशन एवं अनुभागीय अधिकारी शक्ति श्री शोभराज अग्रवाल के कुशल मार्गदर्शन में त्वरित विवेचना करते हुए आरोपी एवं व्यपरीता को लोकेशन प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में मिलने से तत्काल प्रयागराज इलाहाबाद जाकर व्यपरीता को बरामद किया गया। दौरान विवेचना प्रीता की महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया, जिससे विपरीता को आरोपी के द्वारा दिनांक घटना को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा कर सक्ती रेलवे स्टेशन के पास जबरन बलात्कार किया तथा भगा कर जम्मू कश्मीर ले जा रहा था, जिन्हें प्रयागराज इलाहाबाद में बरामद किया गया। दौरान विवेचना प्रकरण में धारा 366/376 भारतीय दंड विधान 6 पास को एकटा जोड़ी गई है। प्रकरण के आरोपी कमलेश सोनवानी पिता तीरित राम सोनवानी उम्र 26 वर्ष साकिन सिंघनसरा थाना सक्तिकृत अपराध सदर धारा का घटित करना पर्याप्त सबूत पाए जाने से दिनांक 28 जुलाई 2021 के 11:30 बजे विधिवत गिरफ्तार करने के रिमांड पर भेजा गया है। उक्त मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक श्री कमल किशोर महतो, उप निरीक्षक आर.एल. टोंडे, आरक्षक घनश्याम पांडे, आरक्षक शत्रुघ्न जांगड़े, महिला आरक्षक धर्मिन सिदार की सराहनीय भूमिका रही। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।